तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बोले श्री सुभाष चंद्र बोस के। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो लाए हम श्री सुभाष चंद्र बोस के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। वो एक उज्जवल छात्र थे। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से फिलोसफी में डिग्री हासिल की थी। इसके बाद भारतीय सिविल सर्विस के स्टडीज के लिए वो इंग्लैंड गए, लेकिन इस परीक्षा को वो पास नहीं कर पाए। इंग्लैंड से रिटर्न आने के बाद नेताजी कम उम्र में इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जुड़ गए और 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। नेताजी कांग्रेस के रैंकों के जरिए उठे और पार्टी के एक प्रमुख नेता बन गए। हालांकि भारतीय स्वतंत्रता कैसे प्राप्त की जाए, नेताजी के विचार कांग्रेस से नहीं मिलते थे। वो अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए बल प्रयोग में विश्वास करते थे। परिणाम स्वरूप नेताजी को 1939 में कांग्रेस कार्य समिति में उनके पद से हटा दिया गया। कांग्रेस के साथ अपने मतभेदों के बावजूद नेताजी ने इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए अपना काम जारी रखा। उन्होंने 1939 में वामपंथी और राष्ट्रवादी समूहों के गठबंधन फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय सेना का भी गठन किया, जिसका मोटो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान धुरी शक्तियों की मदद से भारतीय इंडिपेंडेंस के लिए लड़ना था। आईएनए के लिए नेताजी के विजन ने ब्रिटिश भारतीय सेना के लिए लड़ने वाले भारतीय सैनिकों का मनोबल बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कि आईएनए में शामिल होने और छोड़ने लगे थे। नेताजी के करिश्मे और भाषणों ने कई भारतीयों को आईएनए में शामिल होने, अपनी आजादी के लिए लड़ने के लिए इंस्पायर किया। नेताजी ने जापान और जर्मनी से भी मदद मांगी, जो उस समय अंग्रेजों से लड़ रहे थे। उन सब की मदद से नेताजी का आईएनए भारत के मणिपुर में एक ब्रिटिश आधार पर कब्जा करने में सक्षम था। हालांकि युद्ध का जवार धुरी शक्तियों के खिलाफ हो गया था और आईएनए को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। माना जाता है कि नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में हुई थी, लेकिन उनकी मृत्यु के आसपास की परिस्थितियां कंट्रोवर्शियल थी। भारत में नेताजी के विरासत का जश्न मनाया जाता है। उन्हें हम ऐसे नायक के रूप में याद करते हैं जिन्होंने भारतीय इंडिपेंडेंस के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया और उनके विजन और देशभक्ति के लिए सम्मानित है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।